बीते कई दिनों से जिस मुद्दे पर कयास लगाए जा रहे थे उन पर अब लगाम लग चुकी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन दो सीटों को लेकर सबसे ज्यादा कयासों की चर्चा हो रही थी वो अब साफ हो गई। राहुल गांधी ने रायबरेली और केएल शर्मा ने अमेठी की सीट से अपनी उम्मीदवारी को दाखिल किया। बीते कई दिनों से इन दोनों ही सीटों को लेकर चर्चा थी कि गांधी परिवार के दोनों बेटे बेटी मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस सीट से उतर सकते हैं। खैर, राहुल गांधी को तो अपनी पुरानी सीट अमेठी के बजाय रायबरेली से उतार दिया गया, लेकिन प्रियंका गांधी का नाम दोनों ही सीटों में सामने नहीं आया। ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि क्या प्रियंका गांधी का चुनाव में डेब्यू हो पाएगा या सिर्फ वो पार्टी के लिए स्टार प्रचारक बनकर रह जाएंगी। क्या है पूरा मामला समझेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। 20 सालों से भी ज्यादा समय से देश में लोकसभा से लेकर विधानसभा तक की राजनीति में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एक्टिव रहने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है कि इस चुनाव में उनका राजनीतिक डेब्यू बतौर उम्मीदवार हो जाए। कयास इसलिए लगाए गए क्योंकि माना जा रहा था कि रायबरेली की सीट से लोकसभा सांसद रही सोनिया गांधी के राज्यसभा में चले जाने से ये सीट प्रियंका गांधी के लिए रखी जा सकती है। प्रियंका गांधी इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के लिए तो अमेठी सीट रही ही है और इसके पीछे एक वजह सोनिया गांधी का वो लेटर भी था जिसमें उन्होंने रायबरेली की सीट को छोड़ते वक्त लिखा था और लोगों से अपील की थी कि इस सीट से उतरने वाले गांधी परिवार के उम्मीदवार का जनता को ख्याल रखना है। नामांकन के अंतिम दिनों तक इस बात के कयास लगाए गए कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी अमेठी या फिर रायबरेली की सीट से उम्मीदवारी कर सकती हैं और इसी के साथ उनका बतौर उम्मीदवार डेब्यू भी होगा। लेकिन जैसे ही दोनों सीटों पर राहुल गांधी और केएल शर्मा का नाम सामने आया ये कयास ही कयास रह गए। ऐसे में हर कोई जानना चाहेगा कि प्रियंका गांधी किसी चुनाव में उम्मीदवारी क्यों नहीं करती। इस साल के लोकसभा चुनाव की बात करें तो प्रियंका गांधी के बारे में कहा गया कि प्रियंका गांधी किसी एक सीट पर फोकस ना करके पूरे देश में अलग अलग सीटों पर कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग कर रही हैं। माना जाता है कि कार्यकर्ताओं से लेकर वोटर्स तक में प्रियंका गांधी का एक अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया कि कांग्रेसी वोटर्स प्रियंका गांधी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं और उनके भाषणों से लेकर उनकी भाषा शैली को और जनता की मुद्दे जिस तरह से वो अपने भाषणों में उठाती हैं उस लिहाज से खासा लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे में ये कहा गया कि प्रियंका गांधी अगर एक सीट से उम्मीदवारी करेंगी तो उनके लिए बाकी की सीटों पर अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर पाना मुश्किल हो जाता और इसलिए उन्होंने उम्मीदवार होने के बजाय पार्टी का स्टार प्रचारक बनकर पार्टी के लिए प्रचार करना बेहतर समझा। लेकिन यहाँ एक सवाल तो बनता है कि अगर प्रियंका गांधी से जनता सच में इतनी प्रभावित होती है तो कांग्रेस के लिए ये एक अच्छी बात होगी कि वो प्रियंका गांधी को किसी सीट से उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ाए। इससे अगर प्रियंका गांधी चुनाव जीत जाती हैं तो संसद में उनका एक ऐसा प्रतिनिधि जाएगा जो जनता के मुद्दों को वहां पर उठाए और जिससे जनता को लगाव हो। वैसे तो कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में कौन किस सीट से उम्मीदवारी करेगा इस बात का निर्णय कांग्रेस की सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय करती है और कमेटी ने इस बात की जिम्मेदारी कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को दे रखा है। मतलब कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये तय करेंगे कि कौन किस सीट से उम्मीदवारी करेगा। लेकिन प्रियंका गांधी के बारे में ये बात भी कही जा रही है कि ये उनकी इच्छा है कि वो चुनावी मैदान में बतौर उम्मीदवार नहीं उतरना चाहती हैं और उम्मीदवारी के बजाय वो कैंपेनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहती हैं। खैर, प्रियंका गांधी के राजनीतिक करियर के पन्नों को जब पलटे तो पता चलता है कि साल 1997 में रॉबर्ट वाड्रा से शादी के बाद प्रियंका राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी करने लगी थी। लेकिन अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती के सालों में देखा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने सक्रिय राजनीति में शामिल होने की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और पार्टी के लिए उम्मीदवार बनने से ज़्यादा पार्टी के प्रचार का काम संभाला। कहा यह भी जाता है कि प्रियंका गांधी नियमित तौर पर अपनी माँ सोनिया गांधी के लिए और भाई राहुल गांधी के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र जैसे रायबरेली और अमेठी का दौरा भी करती थी जहां प्रियंका लोगों से सीधे तौर पर रूबरू होती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2004 के आम चुनाव में प्रियंका गांधी ने अपनी माँ सोनिया गांधी के लिए कैंपेन मैनेजर का भी पद संभाला। इतना ही नहीं बल्कि राहुल गांधी के अभियान की भी निगरानी की। साल 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के राज्यव्यापी कैंपेन का भी मैनेजमेंट किया। लोगों के बीच इनकी पॉपुलैरिटी के चलते एक नारा भी आया था, अमेठी का डंका बिटिया प्रियंका।
खैर ये सब तो रही पारिवारिक बात, ये सब प्रचार प्रियंका ने संगठन में बिना किसी खास पद के किया। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ऑफिशियली राजनीति में तब एक्टिव हुई जब उन्हें 23 जनवरी साल 2019 को उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रभारी महासचिव बनाया गया। इसके बाद 11 सितंबर साल 2020 को उन्हें पूरे प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका ने पार्टी के लिए जमकर कैंपेनिंग की। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो अभी प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की महासचिव हैं। कांग्रेस के मैनेजमेंट के साथ ही साथ प्रियंका के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने कई मामलों पर सीट आवंटन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जो एक नेगेटिव इम्प्रेशन आया, यानी कि एक जो कार्यकर्ताओं के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे थे उनके बीच इन्होंने मजबूती से जोड़े रखने का उनको काम किया था। प्रियंका गांधी के रिकॉर्ड्स को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि प्रियंका गांधी का रुझान खुद एक चुनाव जीतने से ज़्यादा पार्टी को अलग अलग सीटों से चुनाव जिताने में ज़्यादा है। रायबरेली और अमेठी से जब कयास लगाए जा रहे थे कि गांधी परिवार का ही कोई इन सीटों से उतरेगा तो राहुल गांधी के बाद दूसरा नाम प्रियंका गांधी का इसमें शामिल था। लेकिन प्रियंका ने अपने बयानों से इन कयासों को ही खत्म कर दिया और चुनाव लड़ने के बजाय पार्टी के संचालन की बात कही। इसके अलावा इन्होंने एक ट्वीट करते हुए अमेठी के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा को शुभकामनाएं दी। लेकिन अब एक उम्मीद उन लोगों के लिए है जो लोग प्रियंका गांधी को बतौर नेता देखना चाहते हैं। उम्मीद ऐसे कि कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने प्रियंका गांधी को उम्मीदवार न बनाए जाने पर कहा कि प्रियंका जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं और अकेले नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों को सीधी टक्कर दे रही हैं, इसलिए ये ज़रूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित ना रखा जाए। और तो और जयराम रमेश का ये भी कहना है कि प्रियंका गांधी को तो कोई भी उपचुनाव में किसी भी सीट से लड़ाकर संसद तक पहुँचाया जा सकता है। इनके इस बयानों ने एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज कर दी कि प्रियंका गांधी स्टार कैंपेनर के साथ ही साथ सांसद भी बन सकती हैं। खैर आपको क्या लगता है, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अगर चुनावी कैंपेनिंग के साथ ही चुनावों में उम्मीदवारी में उतरती हैं तो क्या कांग्रेस और प्रियंका को सफलता मिलेगी? आपका इस बारे में क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।